अपडेट, मैं हूँ स्वाति रायना। प्रॉपर्टी सौदों पर इनकम टैक्स विभाग सख्ती करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग 6 साल पुराने रियल एस्टेट सौदों की जांच करेगा। सौदों के बारे में विभाग ने डेवलपमेंट अथॉरिटी से डेटा भी मांगा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने अथॉरिटी से 6 साल पुराने प्लॉट्स, फ्लैट या घर के अलॉटीज का डिटेल्स मांगा है, जिसके तहत अथॉरिटीज अलॉटीज के नाम और एड्रेस उपलब्ध कराएंगी। इस बारे में आईटी विभाग ने सभी अथॉरिटीज को चिट्ठी भी लिखी है। इनकम टैक्स की चिट्ठी में सेक्शन का जिक्र नहीं है। सूत्रों का कहना है ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम के संबंध में चिट्ठी भेजी गई है। खास बात यह है कि 30 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों का भी ब्यौरा मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि ब्लैक मनी रखने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपू इस वक्त हमारे साथ है। दीपू, किस तरीके से ब्यौरा मांगा गया है और कैसे ब्लैक मनी के तहत सख्ती की जाएगी इन सब पर? जी हाँ, बिल्कुल। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग ने जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि 2009 से के बाद जितने भी आप प्रॉपर्टी के जो मैप आउट हुए हैं, जो अलॉटीज हैं इन अथॉरिटीज के, उनके सारे डिटेल, उनके नाम और एड्रेस की जानकारी मांगी है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काले धन को रियल इस्टेट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसके जरिए छुपाया है या टैक्स इवेट किया है। इनकम टैक्स विभाग बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है, ताकि जो आरडीएस स्कीम है, जो ब्लैक मनी डिस्क्लोज करने की स्कीम है सरकार की, उसमें इसकी मदद ली जा सके और ये देखा जा सके कि घरों में जो लोग हाउसिंग में या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में या प्लॉट में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आखिर जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है उसका सोर्स उन्होंने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका कहना है कि 30 लाख से नीचे की जो प्रॉपर्टी है, चूंकि वो AIR के अंदर नहीं आती, इसलिए उसका डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यह माना जा रहा है कि जानबूझकर उसकी प्राइस कम करके ब्लैक मनी को हाइड किया गया है और ऐसे लोगों का डेटा इकट्ठा करना सरकार के सामने इस बात को ले आना है कि इस पोजीशन में सरकार रियल एस्टेट में जितने भी ब्लैक मनी लगी है उसको वो उजागर कर सके। मेरी बात जब इनकम टैक्स के सोर्सेज से हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे लोग जो इंडिविजुअल जो घर कंस्ट्रक्ट किए हैं या बिल्डर हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय किए हैं 2009 के बाद से अभी तक, उनका पूरा ब्यौरा उनको चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें कहा गया है कि हम IDS 2016 के पर्पस के लिए ये लेटर या ये डेटा चाहिए उनको, लिहाजा वो आगे चल करके इस स्कीम में जो लोग ये टैक्स इवेट करते हैं आगे चल करके उस पर बड़ी कार्रवाई कर सके। जी, तो पुराने प्रॉपर्टी मामलों की जांच होगी और ब्लैक मनी रखने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी आदेश यहाँ पर दिए गए। बहुत शुक्रिया दीपू इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। मतलब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए हैं। 19 नए चेहरों को शामिल करने के साथ ही सरकार ने कई मंत्रियों के विभाग भी बदले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह दी गई है। 19 में से 3 मंत्री यूपी से बनाए गए हैं। संतोष गंगवार और अर्जुन राम मेघवाल को वित्त मंत्रालय में MOS की जिम्मेदारी दी गई है। 2 तस्वीरें देख सकते हैं आप। दोनों मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी आज संभाल लिया। वित्त मंत्रालय से जयंत सिन्हा को सिविल एविएशन मंत्रालय शिफ्ट कर दिया गया है। वेंकैया नायडू ने आज नए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। वेंकैया नायडू से संसदीय मामलों का मंत्रालय वापस लेकर उन्हें INB मिनिस्ट्री दी गई है। रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। रविशंकर प्रसाद से टेलीकॉम मंत्रालय वापस लिया गया है। संसदीय मामलों के नए मंत्री अनंत कुमार ने आज अपना मंत्रालय संभाल लिया। कामकाज संभालने के बाद इन मंत्रियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। We have a combination of able leader and stable government. स्थिर सरकार भी आया, समर्थ नेता भी आया 30 साल के विराम के बाद। लोगों के लिए एक अच्छा अवसर मिला है, इस अवसर को सदुपयोग करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने हमको जो मंत्र दिया है, विकास विकास विकास, सुशासन सुशासन सुशासन, दिस इज द मंत्र, दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स ऑफिसर्स एंड पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का
एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। यानी वो सबका साथ सबका विकास, इसको हासिल करने के लिए भारत का बहुत बड़ा पंचायत पार्लियामेंट, यहां हम हर मसूदा लेके आते हैं, हर कानून बनाते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, आम सहमति बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा इस विकास मंत्र को लेकर के, और आखिर के आदमी यानी गरीब से गरीब उन तक इस विकास को पहुंचाने की, उस पर हम तीनों इस पार्लियामेंट को सभी दलों के सहयोग के साथ। वहीं टेलीकॉम मंत्रालय से हटाए गए रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने कहा कि वो इस मंत्रालय को वाजपेयी सरकार में भी संभाल चुके हैं, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं होगी। विभाग से मेरा पुराना नाता है, मैं अटल जी की सरकार में भी कानून मंत्री रहा हूं, मोदी जी की सरकार में भी पहले था, आज एक प्रकार से तीसरी बार न्याय कानून मंत्री बना हूं। देश के विकास में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार न्यायपालिका का बहुत ही सम्मान करती है। भारत के संविधान के अनुसार हम लोग सबों को मिलकर काम करना है और न्यायपालिका की गरिमा क्षुण रहे, इसमें देश के कानून मंत्री के रूप में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और सक्रियता रहेगी। मंत्रालय में फेर बदल के बाद स्मृति ईरानी अब एचआरडी मंत्रालय से टेक्सटाइल मंत्रालय में शिफ्ट कर दी गई हैं। कुछ देर पहले उन्होंने अपने नए मंत्रालय का पदभार भी संभाला। नाराजगी के सवालों पर उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। टेक्सटाइल मंत्रालय में भेजे जाने पर स्मृति ईरानी ने कहा कि वो पीएम मोदी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा सपना पूरा करने आई है। I am only, I think, bringing to light once again that on one hand, the HRD ministry had the potential to set right policy because the implementation factor lies with the state. The very fact that now the policy inputs, some of them are in the public domain, after such large-scale deliberation, the first of its kind in our country, is also now indicative that this segment also has a policy in the making, and I'm hopeful that that will soon see the light of day. मतलब आगे अमेरिका ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत की 7.5% की ग्रोथ रेट बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। ये बात अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े अपने वादे को पूरा करने में स्लो रही है। हालांकि रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी में सुधार और एफडीआई में ढील देने की तारीफ की गई है। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा था कि इंडिया की ग्रोथ के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई रिफॉर्म्स को संसद में पारित होने के लिए सरकार को स्ट्रगल करना पड़ा है। साथ ही इसमें कहा गया कि इसके कारण मोदी सरकार के समर्थन में आगे आए कई इन्वेस्टर पीछे हट रहे हैं। बात करते हैं विजय माल्या की। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट विजय माल्या के पर्सनल लग्जरी जेट की दोबारा नीलामी की तैयारी शुरू करने जा रहा है। इस बार डिपार्टमेंट ने जेट की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस भी कम रखा है। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व प्राइस पर फैसला डिपार्टमेंट की ज्वाइंट प्राइसिंग कमेटी लेगी। पिछले महीने 30 जून को सर्विस डिपार्टमेंट ने यूएई की एक कंपनी का ऑफर ठुकरा दिया था। कंपनी ने 1.09 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि इसका बेस प्राइस 150 करोड़ रुपए तय किया गया था। माल्या पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। साथ ही बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए भी बकाया है और वो फिलहाल भारत में नहीं है। सरकार ने देश के वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसमें शंकर आचार्य, के एम चंद्रशेखर, पीवी राजा रमन और राजीव कुमार को शामिल किया गया है। यह समिति देश की जरूरत के मुताबिक वित्तीय वर्ष तय करने का सुझाव देगी। समिति 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को वित्तीय वर्ष माना जाता है। कई देशों में कैलेंडर ईयर को भी फाइनेंशियल ईयर माना जाता है।
और दरअसल सरकार इस हिसाब से वित्तीय वर्ष तय करना चाहती है ताकि केंद्र और राज्यों की आमदनी और खर्च का सही आकलन मिल सके। साथ ही वित्तीय वर्ष तय करने में अलग अलग फसलों की मियाद का भी ध्यान में रखा जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजय कुमार इंफ्रा और आरपीएस इंफ्रा को मिले पुल बनाने के ठेके को रद्द कर दिया है। इन कंपनियों को विक्रोली में मीठी नदी पर पुल बनाने के लिए 360 करोड़ रुपए और अंधेरी मजगांव में पुल बनाने के लिए 195 करोड़ रुपए का ठेका मिला था, लेकिन बीएमसी सड़क घोटाले में गड़बड़ियों के बाद हाईकोर्ट ने इनका टेंडर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर दिए जाने से पहले ही दोनों कंपनियों के खिलाफ बीएमसी की एफआईआर थी। जी बिजनेस ने दिखाया था कि कैसे कंपनियों ने सड़क के ठेके में गड़बड़ी की थी। बीएमसी कमिश्नर के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश के बावजूद दोनों को ठेका भी दिया गया था और हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर वाली कंपनियों को ठेका कैसे दिया। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को मॉनसून से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कंपनी बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में कई नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अदर देन पैसेंजर व्हीकल टू सिंगल डिजिट, एवरीथिंग एल्स हैज ग्रोन डबल डिजिट और मोर। Trucks, three-wheelers, LCVs, scooters, motorcycles, everything has grown double digit. So that's better than what SIAM had anticipated as growth for this year, at least in the first quarter. The growth has been good. And again, I presume that with good monsoon and therefore positive sentiment, that growth momentum that we have in the first quarter should continue. ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज ने अमेरिका में अलग अलग टैबलेट्स की 170,000 बॉटल रिकॉल की हैं। ये दवाइयां ब्लड प्रेशर और एसिडिटी के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। ये दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर रिकॉल की गई हैं। ल्यूपिन की जो दवाइयां रिकॉल की गई हैं वो कंपनी के मध्य प्रदेश के पीतमपुर प्लांट में बनी हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के कामकाज में सुस्ती का असर ऑफिस स्पेस डिमांड और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी दिख रहा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक बीते साल की पहली छमाही के मुकाबले इस साल की पहली छमाही में ऑफिस स्पेस की डिमांड में 78% गिरावट आई है। कंपनियां फंडिंग की दिक्कत और लागत घटाने के लिए अब ऑफिस भी साझा कर रही हैं। स्टार्टअप और ई कॉमर्स कंपनियों की सेहत पिछले साल से ही खराब होने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब साफ असर दिखना शुरू हो गया है। हर सेक्टर में बंद होते स्टार्टअप की वजह से ऑफिस स्पेस और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड घट रही है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के पहले 6 महीनों में ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से प्रॉपर्टी डिमांड 78% घटी है। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु जैसे शहरों में बीते साल की पहली छमाही में ई कॉमर्स कंपनियों ने 42 लाख वर्क फुट ऑफिस स्पेस खरीदा था, जो कि इस साल मात्र 9 लाख वर्क फुट ही रहा है। In terms of e-commerce transaction, it has gone down by 78% year on year comparison. In H1 2015, 4.2 million square feet was transacted only by e-commerce by these top six cities. It's now not even a million. देश की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों में बिक्री की रफ्तार कमजोर पड़ रही है। स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट और पी कंपनियां मुनाफा चाहती है। बीते 2-3 साल में भारी डिस्काउंट की वजह से बिक्री का आंकड़ा तो खूब बढ़ा, लेकिन मुनाफा नहीं हुआ। बीते 6-8 महीनों में ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर निवेशकों का नजरिया बदल रहा है। फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी लोग को और हायरिंग बंद किया उन्होंने, आपने सुना होगा कि कॉलेज के जो हायरिंग है सबको डिले कर दिया या बंद कर दिया है, तो काफ़ी कुछ बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। जो हायरिंग है हायरिंग बंद हो गया है, जो ग्रोथ है ग्रोथ भी स्लो हो गया, सब अभी प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं, ग्रोथ के पीछे नहीं। बीते साल और इस साल कई ई कॉमर्स कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी की, जबकि फंडिंग की दिक्कत और डिस्काउंट पर सरकारी सख्ती के बाद ई कॉमर्स कंपनियों को ग्रोथ प्रभावित होने का डर सता रहा है। कंपनियां लागत घटाने के लिए ऑफिस साझा करने का फॉर्मूला अपना रही है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। वाटर मीटर घोटाले में एसीबी ने दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए ये रिपोर्ट। शीला दीक्षित को एसीबी ने दो नोटिस भेजे हैं। पहली नोटिस में उन्हें पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। दूसरे में पूछा गया है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक पूछताछ का समय और जगह बताएं। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डिस्कशन है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करें, किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, किससे पूछताछ करें। वाटर टैंकर्स का नोटिस आया, उन्होंने कहा है जब जरूरत होगी बताया कि इस तरह से है और उसमें कुछ नहीं है, जब बुलाएंगे या करेंगे तब डिटेल देंगे उनको, अभी तो कुछ भी नहीं है। शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी जी की चाची हैं क्या? ये अपनी चाची को किसी घर के उत्सव के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है क्या?
वाटर मीटर घोटाला पहली बार केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार के वक्त सामने आया था। एपी सरकार ने 2014 में शीला दीक्षित के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर अब नोटिस भेजा गया। आरोप है कि 2011 में पानी के 2.5 लाख मीटर खरीदने में गड़बड़ी हुई, जिससे 48 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर और एफसी बार्सिलोना क्लब के स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी को 21 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेनिश अदालत ने टैक्स चोरी से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने मेसी के पिता जॉर्ग मेसी को भी टैक्स चोरी का दोषी माना है और सजा सुनाई है। मेसी और उनके पिता पर 2007 से 2009 के बीच 4.2 मिलियन यूरो की टैक्स चोरी का आरोप था। शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया। लियोनेल मेसी अभी टाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्लेड रनर के नाम से मशहूर पूर्व एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस साल इस गुनाह में उन्हें 15 साल कैद की सजा भी हो सकती थी, लेकिन अदालत ने उन पर रहम दिखाते हुए सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई। ऑस्कर ने 2013 में वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी को अपने घर में गर्लफ्रेंड रीवा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि कोर्ट में लगातार रट लगाते रहे कि उन्होंने अंधेरे में घर में चोर दाखिल होने के शक में गोली चलाई थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑस्कर ने गोली मारने से पहले रीवा को बैट से पीटकर घायल भी किया था।